जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के नए फैसले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के संबंध में कुछ नियमों में काफ़ी यहाँ पर मूलचूक बदलाव किए हैं। आइए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो ये आपको जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में सड़क हादसा हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, उससे सबक लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नियमों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज किए हैं। इसी के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है और सभी देश भर के अपने जो स्टेट्स के हेड आरटीओस हैं वहाँ पर यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में जो नियम है उसको स्पेसिफाइड फिर पुनः किया जाए, यानी कि इसके ऊपर हाईलाइट किया जाए, इसको जो नियम दबे पड़े हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में चलाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए जो नियम है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, तो उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए फिर से वहाँ पर जोर दिया है। तो हालांकि हादसा जो है वो यूपी में हुआ है, तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सजग है और यहाँ पर उस दुर्घटना से सबक लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के संबंध में कुछ नियमों में यहाँ पर चेंज किए हैं। आइए आपको इसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करने से आपसे हमारी नई मोटिवेशन, नई एनर्जी आती है, जोश आता है आपकी एक लाइक करने से। आप लोग लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आरटीओ की आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ट्रैक्टर है ट्रॉली है तो डेफिनेटली इस वीडियो को चिपक कर बैठ जाइए और लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके पास होने वाली है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मैं आपको पहले ही बताया कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए और जो कानपुर में सड़क हादसा हुआ था ट्रैक्टर ट्रॉली के संबंध में उसके लिए यहाँ पर संज्ञान में लिया और कुछ नए नियमों को यहाँ पर जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। अब अगर आपको यहाँ पर इन नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली अगर आपके पास है इसको ड्राइव करने के लिए, तो यहाँ पर आपको भारी भरकम जुर्माना पेनाल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब ट्रैक्टर एवं ट्रॉली का उपयोग जो है ट्रॉली का उपयोग वो माल ढुलाई के लिए ही किया जाएगा। अगर आप इसमें सवारी बैठा कर ढुलाई करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइवर होगा वो अगर उसका पास होगा तो वो 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। 10,000 रुपये की पेनाल्टी है पहली दफ़ा पकड़े जाने पर और लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा, 3 महीने सस्पेंड हो जाएगा। अगर इन केस ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो वहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना ड्राइवर के ऊपर और 10,000 रुपये वहाँ पर पेनाल्टी लगेगी आपके ट्रैक्टर के ऊपर, यानी कि 20,000 रुपये यह नियम है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर एवं ट्रॉली साथ में चलाने पर आपको आरसी रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ में रखकर चलना पड़ेगा। दोनों को चलाते हैं अगर माल ढुलाई के लिए, तो अगर सवारी बैठा कर चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिया जाएगा। सेकेंड टाइम में अगर पकड़े जाते हैं तो यह जुर्माना जो है वो 10,000 रुपये का तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आरसी भी सस्पेंड कर दी जाएगी उस ट्रैक्टर ट्रॉली की। और दोनों को अगर माल ढुलाई के लिए चलाते हैं जिसमें आपको यहाँ पर छूट है जो आदेश दिया गया है उसके तहत, तो आपको आरसी रखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देश भर में ज़्यादातर ट्रैक्टर एवं ट्रॉली जो हैं वह कृषि कार्य हेतु यूज होते हैं। आपने देखा भी होगा कि ट्रॉली में लिखा होता है कृषि कार्य हेतु, तो अब इस स्लोगन से आप बच नहीं सकते हैं कि आप कृषि कार्य हेतु अपने ट्रॉली में लिखवा दिए और उसका यूज जो है वो सवारी ढुलाई के लिए यूज कर रहे हैं उसका, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसमें सवारी बैठाते हैं तो आप भारी भरकम वहाँ पर जुर्माना झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो कृषि कार्य हेतु तो अगर यहाँ पर गाड़ी है तो उसका उपयोग उसी के लिए होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश भर में ज़्यादातर जो ट्रैक्टर ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए ही होते हैं। अगर आप इसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए चलाना चाहते हैं, ट्रॉली का उपयोग करना चाहते हैं ट्रैक्टर का अपने, तो उसका पंजीकरण भी करवाएं कमर्शियल में। जी हाँ, ये भी नया नियम जारी किया गया है। अगर आप कृषि कार्य हेतु के अलावा कमर्शियल पर्पज़ के लिए गाड़ी का उपयोग करना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर का ट्रॉली का, तो जाकर आरटीओ में पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए और कमर्शियल वाले में उसको चेंज करवाइए रजिस्ट्रेशन को, तब उसको आप चला सकते हैं। अगर आप कृषि कार्य हेतु वाले यानी एग्रीकल्चर व ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग माल ढुलाई के लिए कर रहे हैं या फिर सवारी ढुल रहे हैं और
कमर्शियल पर्पज़ में उसका पंजीकरण ही नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर भी आप पकड़े जाएंगे और आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ख़ास तौर पर ट्रॉली के जो है उसका कमर्शियल पंजीकरण अनिवार्य है। अगर ट्रैक्टर एग्रीकल्चर में बाय किया गया है उसका पंजीकरण हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ट्रॉली का उपयोग कर रहे हैं तो उसका पंजीकरण तो ज़रूर यहाँ पर आपको करवाना चाहिए कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यही है, इसमें हाईलाइट फीचर ये है कि 10,000 रुपये का वहाँ पर चालान जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान पुनः एवं RC और DL सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आप सावधान रहिएगा, अगर चलाना है तो कमर्शियल में उसका जाकर पहले पंजीकरण करवाएँ तब उसको चलाएँ। और सवारी ढुलाई यहाँ पर ट्रॉली में बिल्कुल ही इलीगल अब कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो यह नियम जो हैं वो अब स्पेसिफाइड होंगे, फिर से हाईलाइट होंगे देश भर में सभी राज्यों में, जैसा कि आदेश वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज था आया हुआ है, बट उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यह लागू हो चुका है नियम। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर ट्रैक्टर ट्रॉली आपके पास है तो। तो यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, शेयर सभी लोगों तक करिएगा, व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो @TechnicalAlok जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉलो करके आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाता है। यहाँ पर भी आप अपने सुझाव और कमेंट दे सकते हैं नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।